भारत के लिए बांग्लादेश ने किया बड़ा ऐलान, चीन में मचा कोहराम। जयशंकर की विदेश नीति के आगे बांग्लादेश में चीन का सफाया, बोला भारत जैसा दोस्त नहीं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की बांग्लादेश में जबरदस्त धूम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। बंदरगाह के बाद बांग्लादेश ने भारत को दिया एक और बड़ा गिफ्ट। दोस्तों, बांग्लादेश की खातिर भारत एक साथ रूस, चीन और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों से पंगा ले रहा है, और इसके लिए भारत के धुरंधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमकर मोर्चा संभाल रखा है। जिस तरह 1971 में रूस भारत के लिए पूरी दुनिया से टकरा गया था, ठीक उसी प्रकार आज 2023 में भारत बांग्लादेश की खातिर पूरी दुनिया से टकरा चुका है। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश इस समय तीन खूंखार सुपर पावर अमेरिका, चीन और रूस के बीच बुरी तरह से फंस चुका है। ये तीनों देश मिलकर कमजोर बांग्लादेश को नोचना चाहते हैं, उसे धमकी दिखाकर अपने पाले में शामिल करना चाहते हैं। बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन महाशक्तियों से कैसे निपटा जाए। इसी बीच भारत ने एंट्री ली है और सारा खेल पलट दिया है। बांग्लादेश को बचाने की खातिर भारत जी जान से लगा है। आपको बताना चाहता हूं कि भारत कभी भी बांग्लादेश पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि यह काम चीन जैसे जालिम देशों का है। अगर भारत को ऐसा करना होता तो 1971 में भारत के पास एक सुनहरा मौका था। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की दोस्ती कोई नई नहीं है, बल्कि इसका जन्म बांग्लादेश के जन्म के समय ही हुआ था, जब 1971 में भारत सभी देशों के सामने बांग्लादेश के लिए भिड़ गया था। आज एक बार फिर से जब बांग्लादेश पर चारों तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं, इस समय बांग्लादेश को पश्चिमी देश प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी बांग्लादेश से बेहद नाराज है और वे अपना सस्ता तेल बांग्लादेश को नहीं देना चाहता। लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया और खुद रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत बांग्लादेश को देने में लगा है। आपको बता दें कि दोस्तों, भारत अपने पड़ोसी दोस्त बांग्लादेश की मदद को इनकार नहीं कर रहा। इसी बात से आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए बांग्लादेश कितनी बड़ी जरूरत है। दरअसल बांग्लादेश पश्चिमी देशों में अपने कपड़े बेचकर पैसे कमाता है, ऐसे में एक्सपोर्ट और तमाम जरूरतों के लिए बांग्लादेश पश्चिमी देशों पर निर्भर है। इसी वजह से पश्चिमी देश बांग्लादेश को बार बार धमकी देकर कहते हैं कि अगर तुमने रूस की मदद की तो तुम्हारे कपड़ा बाजार को तहस नहस किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की विदेश नीति बेहद खूंखार है, जो दुनिया के किसी भी महाशक्ति की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करती। यूरोप, अमेरिका, चीन और रूस, ये सभी जयशंकर की कूटनीति का लोहा मान चुके हैं। कई लोगों का कहना है कि जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के अगले उत्तराधिकारी हैं। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जयशंकर भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वहीं पश्चिमी देशों के डर से चीन जैसा ताकतवर देश भी बांग्लादेश की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में भारत ने उसका हाथ थामा और उसे मदद पहुंचाकर उसे बर्बाद होने से बचा लिया है। आखिर यह सब कैसे हुआ, जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दोस्त रूस ने भारत में सस्ता तेल भेजकर भारतीय अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लिया। एक तरफ जहां पश्चिमी देश तेल की कमी के कारण भारी एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमी की बर्बादी भी देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत दुनिया के कई बड़े देशों को तेल और रोजगार पहुंचाकर उन्हें बर्बाद होने से बचा रहा है, जिसमें अमेरिका, तुर्की, रूस और यूरोप के कई बड़े देश शामिल है। ऐसे में इस लिस्ट में अब हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का भी नाम जुड़ गया है, जो गरीबी के कारण बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत की मदद पाकर अब तरक्की की पटरी पर जबरदस्त रफ्तार पकड़ने जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश को हाई स्पीड पाइपलाइन के माध्यम से डीजल पहुंचाकर उसके उस क्राइसिस में वेंटिलेटर का काम किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत ने पूरे अपने खर्चे से इस पाइपलाइन का निर्माण किया है, ताकि मित्र बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी ना हो। चीन के चक्कर में पड़कर पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी मोल ली थी और अब उसकी बर्बादी की कहानी लोग रोज अखबार में पढ़कर हाय हाय कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से टूटकर अलग हुए बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे रिश्तों के कारण फल फूल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में लोग आटा, चावल, दाल और तेल के लिए तड़प रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में
लोगों की स्थिति पाकिस्तानियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बेहतर है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश और भारत के बीच के अच्छे संबंध बताए जाते हैं। जब से अमेरिका ने बांग्लादेश की स्पेशल फोर्स रैपिड एक्शन बटालियन पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो बांग्लादेश में अपने विरोधियों को कुचलने के लिए जाने जाते हैं, तब से ही बांग्लादेश और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। बांग्लादेश जैसे छोटे देश अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बाद बर्बाद हो जाते हैं। इसी वजह से भारत इस वक्त बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंधों को स्थापित करने के लिए एक पुल का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, आज से कुछ दिन पहले जब रूस का जहाज बांग्लादेशी न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माण के लिए परमाणु मटेरियल लेकर बांग्लादेशी पोर्ट पर पहुंचने वाला था, तो अमेरिकी दबाव के कारण बांग्लादेश ने उस रूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर ठहरने तक नहीं दिया था, क्योंकि वह एक ऐसा रूसी जहाज था जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए थे। अगर वह जहाज बांग्लादेशी बंदरगाह पर ठहरता तो अमेरिका बांग्लादेश पर भी प्रतिबंध लगा देता, जिसके बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से तबाह हो सकती थी। ऐसे में अंत में उस रूसी जहाज को भारत ने अपने बंदरगाह पर शरण दी थी, जिसके बाद दुनिया ने देखा कि भारत अब अमेरिकी दादागिरी की परवाह नहीं करता, क्योंकि खुद अमेरिका भी मानता है कि भारत एक उभरता हुआ ग्लोबल पावर है, जिस पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। हालांकि यह सब देखते हुए बाद में रूस भी बांग्लादेश से बेहद नाराज हुआ और उसने रूस में मौजूद बांग्लादेशी एम्बेसी को फटकार भी लगाई थी। तो वहीं दोस्तों, चीन कई सालों से बांग्लादेश के आगे नाक रगड़ रहा है ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच में दरार पैदा की जा सके। इसके लिए चीन बांग्लादेश के अंदर हेवी इन्वेस्ट कर रहा है और वहां के माइनॉरिटी पर हमले करवाकर भारत के खिलाफ नफरत भड़काने का भी काम करता है। लेकिन बांग्लादेश चीन के सभी अरमानों पर पानी फेरते हुए भारत को बड़े बड़े गिफ्ट दे रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम चटगांव बंदरगाह का है। बांग्लादेश के इस बंदरगाह को पाने के लिए चीन ने हजारों बार बांग्लादेश के आगे उठक बैठक किए होंगे, लेकिन अंततः बांग्लादेश ने इस बंदरगाह को भारत के हवाले कर दिया। बांग्लादेश की इस पोर्ट को पाकर चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को पूरी तरह से समुद्र में घेरने की तैयारी कर चुका था। लेकिन बांग्लादेश से चीन को खदेड़ने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान था तो वह भारत के विदेश मंत्री एस सी जयशंकर थे, जिन्होंने अपने जबरदस्त कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया में मनवाते हुए बांग्लादेश को चीन के चंगुल से आजाद रखा और उसे पाकिस्तान की तरह बर्बाद नहीं होने दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सुरक्षा और सप्लाई की दृष्टि से भारत और बांग्लादेश की दोस्ती बेहद अहम मानी जाती है। बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट के माध्यम से भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक बेहद तेज गति से सामान को भेज सकता है। चीन को बांग्लादेश से खदेड़कर भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, अब तक बांग्लादेश चीन से भारी मात्रा में हथियार खरीदता था ताकि वह म्यांमार बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा पा सके, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि अब वह भारी मात्रा में भारत से ही हथियार खरीदेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जल्द साइन होने वाला है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत हर साल बांग्लादेश में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कपड़े, गेहूं, खानपान, गाड़ियां और मशीनरी से जुड़े सामानों की काफी लंबी लिस्ट है। बांग्लादेश चौथा सबसे बड़ा देश है जिसे भारत अपना सबसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।